दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में हर 10 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां कौन सी है, सो आपका भी जवाब शायद मारुति सुजुकी ही होगा। क्योंकि मारुति की गाड़ियां इंडियंस के लिए सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, इमोशंस भी हैं। अगर प्रेजेंट टाइम 2023 में देखा जाए तो मारुति सुजुकी ही सिर्फ अकेला ब्रांड है जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 40% शेयर होल्ड करती है। दोस्तों, अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मारुति सुजुकी अपनी बेहतरीन गाड़ियों की वजह से इंडिया में इतनी सक्सेसफुल हो पाई हैं। बट मारुति ने इंडिया में कुछ ऐसी गाड़ियां भी लॉन्च की थी जो कि मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई या कहीं फ्लॉप हो गई, एंड उन्हें कुछ ही सालों में डिसकंटिन्यू भी करना पड़ा। चलिए जानते हैं मारुति सुजुकी की वो 5 ऐसी गाड़ियां जिन्हें मार्केट में आते ही कुछ ही सालों में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। नंबर 5th पे आती है मारुति सुजुकी बलेनो। अब आप लोग सोच रहे होंगे बलेनो तो मारुति की सबसे हिट कार रही है, फिर ये फ्लॉप कैसे हो गई? मैं इस बलेनो की नहीं, इस बलेनो की बात कर रहा हूँ जिसे 1999 में एज अ सेडान लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी के फेलियर का सबसे मेन रीजन रहा है इस गाड़ी की प्राइस, जो कि 6 से 7 लाख रुपए तक थी। 90s तक मारुति की गाड़ियों का प्राइस एवरेज 2 से 3 लाख रुपए तक का होता था, बट इस गाड़ी का प्राइस 7 लाख रुपए था, जो कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगने लगी थी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स। 1999 में बलेनो के कॉम्पिटिटर्स ह्यूंडई एक्सेंट एंड होंडा सिटी थे, जो कि बलेनो से ज़्यादा लग्जरी एंड पावरफुल इंजन प्रोवाइड कर रहे थे। सो इंडियंस बलेनो पे ना जाके इन दो सेडान्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, एंड फाइनली लो सेल्स के चलते मारुति ने 2007 में बलेनो को डिसकंटिन्यू कर दिया। नंबर 4th पे है मारुति सुजुकी ए स्टार। मारुति ए स्टार यूरोपियन एमिशंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाली पहली मेड इन इंडिया कार, जिसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, एंड ये मारुति का सबसे पहला के सीरीज इंजन था। और यही नहीं, ए स्टार मारुति की पहली ऐसी गाड़ी थी जिसे 200 वेरिएंट्स के साथ एंड 150 कंट्रीज में ऑल्टो एंड सिलेरियो के नाम से बेचा जाता था। अब सवाल ये आता है, ग्लोबली इतनी सक्सेसफुल गाड़ी इंडिया में मारुति के टैग के साथ फ्लॉप कैसे हो सकती है? रीज़न, अपनी गाड़ियों के साथ ही कंपटीशन करना। अल्टो जो इससे सस्ती थी बट बेटर वैल्यू थी, रिट्स जो इससे महंगी थी बट बेटर वैल्यू थी, एंड स्विफ्ट वो तो आज भी अपने नाम से ही बिकती है। एंड रही कुछ ही कसर पूरी कर दी वैगनार ने। ए स्टार में कुछ कमियां भी थी, जैसे बेसिक लेग स्पेस, बूट स्पेस एंड क्लियर विजिबिलिटी की। एंड अब कोई भी मिडिल क्लास बंदा 4 लाख खर्च करने के बाद इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करेगा? नहीं करेगा ना। एंड इसका नतीजा ए स्टार की सेल्स में पड़ी। ए स्टार की सेल्स बहुत ही कम हो गई। एंड फिर क्या था, 2013 में मारुति ने 7,000 ए स्टार में से 6,500 ए स्टार यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट कर दी। इसी तरीके से मारुति ए स्टार की भी कहानी होती है इंडिया से खत्म खत्म। तीसरे नंबर पे आती है मारुति सुजुकी जेन एसटी लो। दोस्तों, आप लोगों को तो मारुति जेन याद ही होगी। 1993 में लॉन्च हुई ये लग्जरी एंड कॉम्पैक्ट कार, जो कि प्रॉपर यूथ आइकन एंड इस गाड़ी का अलग ही फैन बेस था। मारुति ने टाइम के साथ साथ इस गाड़ी के कई फेसलिफ्ट लॉन्च किए, जेन स्टील, जेन कार्बन एंड जेन क्लासिक। फिर मारुति ने कुछ अलग सोचा एंड 2006 में लॉन्च करी जेन एसटी लो को। देखिए, गाड़ी में तो कोई कमी नहीं थी, मारुति ने इसको टॉल बॉय लुक देके अल्टो एंड वैगनार के बीच में रखा। बट देखा जाए तो ये गाड़ी फीचर से लेके इंजन तक वैगनार ही थी। बट 2009 के फेसलिफ्ट में मारुति ने एस्टीलो के आगे से जेड हटाया और 1100 सीसी इंजन हटा के K10B इंजन लगाया। मैं फिर से बोलता हूँ, गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, बट इस गाड़ी के इंजन छोटा कर देने पर कस्टमर्स को ये गाड़ी अंडर पावर लगने लगी। ऊपर से इस सेगमेंट था काफी क्राउडेड एंड बोलबाला था सेंट्रो का और मारुति की खुद की गाड़ियाँ। और फिर इस गाड़ी के आगे से जेन नाम का हटना इस गाड़ी का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ, एंड इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा गाड़ी की सेल्स में। गाड़ी की सेल्स काफ़ी पुअर हो गई, एंड इसी पुअर सेल्स के चलते 2013 में जेन एसटीलो को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। सेकेंड नंबर पे आती है मारुति सुजुकी केजाची। मारुति सुजुकी केजाची, इस सेडान को 2011 में लॉन्च किया गया था। इस सेडान के फ्लॉप होने का सबसे मेन रीज़न है मारुति की ब्रांड इमेज। आज के टाइम में हम मारुति को अल्टो, 800, बलेनो, ब्रीजा जैसी वैल्यू फॉर मनी कार्स के लिए जानते हैं, लग्जरी सेगमेंट के लिए तो नहीं। मारुति ने अपना लग्जरी सेगमेंट तो बनाना चाहा, बट थोड़ी गड़बड़ हो गई। मारुति की ये कार केजाची मारुति के सेगमेंट से काफी आगे थी और अब ये सिर्फ यादों में है। क्या था इस कार के फ्लॉप होने का मेन रीजन, आइए जानते हैं। अब देखिए, इंडिया है प्राइस सेंसिटिव मार्केट,
एंड जब किजाशी को 2011 में 17 लाख एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया तो ये इंडियंस के पल्ले तो नहीं पड़ा। बाद में मारुति ने इस कार पे 5 लाख तक का डिस्काउंट भी दिया, बट बहुत देर हो गई थी। जिस देश में हर कोई आदमी कार लेने से पहले ये पूछता है कितना देती है, उस देश में 10 से 11 के एमपीएल तक की माइलेज, वो भी मारुति से, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था। देखिए, मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन है। और अब किजाकी थी CBU, पार्ट्स थे इंपोर्टेड एंड काफी महंगे, और डी सेगमेंट सेडान्स में था उस समय काफी कंपटीशन। कोरोला, क्रूज एंड सिविक, ये गाड़ियां उस समय 11 से 15 लाख में मिल जाती थी, एंड माइलेज भी इन गाड़ियों का ठीक ठाक ही था, तो कोई किजाशी क्यों लेना चाहेगा। और इन्हीं सब के चलते 2014 में मारुति ने किजाशी को डिसकंटिन्यू कर दिया। नंबर फर्स्ट पे आती है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ये वाली नहीं, ये वाली ग्रैंड विटारा। 2009 में लॉन्च हुई ये कार एक फुल साइज SUV थी, जिसमें कि हमें 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, जो कि निकाल के दे देता था 165 हॉर्स पावर। उस टाइम पे तो फॉर्च्यूनर का इंजन भी 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, लगभग फॉर्च्यूनर के बराबर की पावर थी इस गाड़ी में भी। ऊपर से इस कार में तो हमें 4x4 फीचर मिलता था, बट माइलेज मिलती थी हमें 6 या 7 के एमपीएल तक की। ये गाड़ी थी तो बहुत दमदार, अनलाइक आज की मारुति कार्स में देखा जाए तो उसमें हमें 2 या 3 स्टार से ऊपर की सेफ्टी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है, बट इस गाड़ी में हमें उस टाइम पे 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिलती थी। बट इस गाड़ी का हाई भी था कुछ किजाशी की तरह। ये गाड़ी भी अपने प्राइस एंड माइलेज की वजह से मात खा गई। 2009 में देखा जाए तो इस गाड़ी का प्राइस 20 लाख रुपए तक था। उस टाइम पे फॉर्च्यूनर भी 21 लाख में आती थी, सो उस टाइम पे कोई भी फॉर्च्यूनर को छोड़ के इस गाड़ी को लेना क्यों ही पसंद करेगा। एंड फाइनली लो सेल्स के चलते इस गाड़ी को भी 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो गाइज, यही थी मारुति सुजुकी की 5 ऐसी गाड़ियां जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ ही रीजंस की वजह से फ्लॉप हो गई। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट कर देना इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। एंड ये भी बताना कहां कहां इस वीडियो में गलती हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बताना, ताकि मैं भी कोशिश करूं अगली वीडियो में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। एंड हाँ, अगर आपको भी इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो एंड किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।